अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि जो महंगे महंगे नाइफ़ होते हैं उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जैसे 3,000 का नाइफ़ है, 20 रुपये का नाइफ़ भी मेरे पास में है, 500 का भी है, 150 का भी है, 50 का भी है, भाई कटिंग तो सबसे होती है, फिर ये 3,000 और 50 रुपये 20 रुपये क्यों हम वेस्ट करें, इतना पैसा नाइफ़ में क्यों वेस्ट करना है। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हमको कौन सा नाइफ़ खरीदना चाहिए और कौन सा नाइफ़ नहीं खरीदना चाहिए। कोई ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है कि ये इस ब्रांड का खरीद लो, इस ब्रांड का मत खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया। तो चलिए करते हैं आज रिसर्च। हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से ब्रांड का नाइफ़ अच्छा है और कौन से ब्रांड का नाइफ़ अच्छा नहीं है। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये 3,000 वाला नाइफ़ ज़रूरत है या ये 20 रुपये का नाइफ़ से काम चल सकता है, ये जो 500 रुपये का नाइफ़ है इससे काम चल सकता है, या फिर ये जो 50 रुपये का नाइफ़ है इससे भी काम चल सकता है। तो इन सभी नाइफ़ को हम यहाँ पे देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये अपने काम पे खरे उतरते हैं नहीं उतरते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कुकुम्बर रख दिया है और सारी नाइफ़ से मैं कटिंग करूँगा। तो सबसे पहले ये 20 रुपये का नाइफ़ है, इससे मैं कटिंग करता हूँ और महसूस करता हूँ कि कैसी कटिंग हुई है। भाई काटेगा तो सही, सारे नाइफ़ काटेंगे चाहे 20 रुपये का हो या 3,000 का, कटिंग तो होगी, लेकिन कैसी कटिंग हुई ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे लगाना पड़ा, ये देखिए, उसके बाद ही कट गया। ये 20 रुपये का नाइफ, ये 50 रुपये का नाइफ, हाँ इसमें थोड़ा सा लगा कि मुझे प्रेशर कम लगा है इसके मुकाबले, सही में 50 रुपये है कीमत इसकी। अब ये 150 रुपये का नाइफ, ये इतना आसानी से नहीं लग रहा, मतलब 150 रुपये का नाइफ़ है, काट रहा है, लेकिन 50 रुपये के आगे फेल लग रहा है। अब आता है 500 रुपये का नाइफ, वाह ये तो बिल्कुल ही स्मूथली जा रहा है, मतलब मैं इसमें बहुत ही कम जोर लगा रहा हूँ और अपने आप काट रहा है। एक स्मूथनेस जो होती है ना कटिंग में, वो यहाँ पे आ रही है। 500 रुपये वैल्यू है इसकी। अब आता है 3,000 का नाइफ, अब ये देखिए, वाह भाई ये जो नाइफ़ है ना इसकी तो बात ही कुछ और है, मतलब इसका जो वेट है, इस सबसे भारी नाइफ़ यही होता है, बैलेंस होता है इस तरह से एक नाइफ़ का, किसी भी नाइफ़ को पकड़ने का तरीका यही होता है कि वहाँ से देख लीजिए कहाँ से आपका बैलेंस बन रहा है, तो यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए और बहुत ही स्मूथली कट रहा है, मुझे बहुत ही कम जोर लगाना पड़ रहा है यहाँ पर। अब चलिए टमाटर भी काट के देखते हैं। तो शुरुआत 3,000 की नाइफ़ से, वाह मज़ा आ गया, मतलब काम करने में मज़ा आ रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, ये देखिए कैसे कट रहा है, मैंने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया। अब 500 रुपये का नाइफ़ देखते हैं, यकीन मानिए 500 रुपये के नाइफ़ में तो दम है, बहुत ही स्मूथली। 150 रुपये का नाइफ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथनेस कम आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आरी चला रहा हूँ मैं। 50 रुपये का नाइफ, यहाँ पे इसके ज़ोर से हल्का सा मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है तब जाके कट रहा है, और मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं कोई आरी चला रहा हूँ यहाँ पे, स्मूथनेस नहीं है लेकिन कटिंग हो रही है। 20 रुपये का नाइफ, काट रहा है लेकिन थोड़ा सा दम लगाना पड़ रहा है। जब आपको प्रेशर के साथ में कोई कटिंग करनी पड़ती है ना, तो वहाँ पे उंगली कटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपका नाइफ शार्प है तो आपकी उंगली कभी नहीं कटेगी, और अगर आपके नाइफ में थोड़ा सा भी अगर शार्प नहीं है, शार्पनेस की कमी है, तो आपके हाथ कटने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब एक हार्ड वेजिटेबल काट के देखते हैं। तो हार्ड वेजिटेबल को मैं प्रेशर नहीं दूंगा, ये देखिए प्रेशर मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, नहीं काट पा रहा है। 50 रुपये का नाइफ, ये थोड़ा सा अंदर गया है लेकिन रुक गया है। 150 रुपये का नाइफ, 150 रुपये का नाइफ तो 50 रुपये से भी बेकार है, मतलब दम नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपके पास महंगा चीज़ है तो वो अच्छी चीज़ हो। अब ये देखिए 150 रुपये का, लेकिन इसमें मुझे कोई जान नहीं लगी, ये 50 रुपये का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 500 रुपये का, ये तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये देखिए कैसे जा रहा है नाइफ, देखिए मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ अपने आप। अगर इससे आप काटोगे तो मज़ा आ जाएगा, कटिंग करने में मज़ा आ जाएगा, जब बोलते हैं ना खाना बनाने में मज़ा आना वाली बात है इस नाइफ में, और ये तो भाई है ही ज़बरदस्त चीज़,
वाह, ये देखिए पूरा काट दिया, मतलब बिना प्रेशर के कितना काट दिया इसने, बहुत ही गजब की चीज़ है। अब क्या ये सब्जियां तो काट रहे हैं कि पेपर काट सकते हैं? पेपर काट के देखते हैं कि ये कैसा कटिंग करते हैं। 20 रुपए का नाइफ, ₹50 का नाइफ, ठीक है ₹150 का नाइफ। ₹150 के नाइफ ने पेपर अच्छा काटा है, सब्जी अच्छी नहीं काट रहा था लेकिन पेपर ठीक काट रहा है। और ये है ₹500 वाला नाइफ, वाह बहुत ही गजब की चीज़ है। और ये रहा ₹3000 वाला नाइफ, अगर पेपर को काट रहा हूँ मैं 3000 के नाइफ से, इतनी शार्पली नहीं कट रहा है लेकिन पेपर इतना अच्छा नहीं कट रहा। तो क्या 3000 का नाइफ ख़राब है? बिल्कुल नहीं। अब इसकी चीज़ बता देता हूँ, ये जो चारों नाइफ हैं ये सिमिलर हैं एक जैसे। ये जो नाइफ़ है ये शेफ नाइफ कहा जाता है, और इसका जो तरीका है और उसकी जो कटिंग है ये एक प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है। अगर आप बोले कि यार 3000 का नाइफ़ ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, अगर आपको कुकिंग से शौक़ है, आपको कटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं कटिंग मेरे को इतना शौक़ नहीं, बस कुकिंग से है, तो इसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है इन चारों नाइफ की, इनमें से कौन सा ख़रीदना चाहिए। इनका ब्रांड बता देता हूँ, लेकिन एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं चल रहा है। ये विक्ट्रॉनिक्स का नाइफ़ है, इसका कोई ब्रांड नहीं है। ये एस का नाइफ़ है और ये भी एस का नाइफ़ है। बात आती है कि हमको कौन सा ख़रीदना चाहिए। ये ₹500 का है, ये ₹20 का है, ये ₹50 का है, और ये ₹150 के समथिंग आता है। देखिए चारों नाइफ से कटिंग हो जाती है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इस नाइफ़ को लें, ये बेस्ट है इन तीनों में से, क्योंकि इसकी जो लाइफ है आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नाइफ़ को ये लगभग 1 साल तक बिना शार्प किए कटिंग करता है, और बहुत ही शार्प इसकी ब्लेड होती हैं, इसलिए ध्यान से इसको काम लेना है। दूसरी बात कि ये नाइफ़ लंबे समय तक चलते हैं। आपने ये नाइफ़ ख़रीद लिया तो क्या होता है, इनकी जो धार होती है बहुत शार्प होती है ये देखिए, लेकिन क्या होता है ये चॉपिंग बोर्ड में अटक जाता है। मतलब जब आप चॉपिंग बोर्ड में लगा रहे हो या सब्जी में कट कर रहे हो तो ये अटकता है, तो अटकने की वजह से इसकी स्मूथनेस कम हो जाती है। धार तो तेज़ है लेकिन स्मूथनेस कम है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा कटिंग करने में, मज़ा आएगा आपको इस नाइफ़ से। और इसकी शार्पनेस हमने चेक कर ली है, बहुत स्मूथ नाइफ चलता है ये, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस नाइफ़ को ख़रीद लें। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिलता है,